जय हिंद, नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, लाडलो लाडलियो, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। तो लाडलो बताइए कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, लाजवाब होंगे। जय हिंद सभी। सर मेरे डॉक्यूमेंट 2021 का है, इस बार फिर बनाना पड़ेगा क्या? डिपेंड करता है आपके पास में कौन सा डॉक्यूमेंट्स है, या जैसे मान के चलो हर एक डॉक्यूमेंट्स की अपनी एक वैलिडिटी होती है लाडलू, ठीक है, उस हिसाब से। तो आप सभी तैयारी करना शुरू कर देंगे SSGD 2024 के लिए। आपने देख लिया होगा SSGD 2024 धमाका सिर्फ आज के लिए, ठीक है। तो जो भी बच्चे जुड़ चुके हैं उन सभी को बता दूं, सबसे पहले आए हो सबसे पहले ही प्राप्त करना। गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद सर, मैं राजस्थान से हूँ। नमस्कार नमस्कार, जय हिंद सर, मैं फिर तैयारी कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, तैयारी करनी है। अगर आप किसी एक पेपर में रह गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको तैयारी छोड़ देनी है, नहीं, आपको फिर से प्रयास करना है, क्योंकि पहले के बजाय अब आप काफी आगे हैं। मान के चलिए कि आप यहाँ से आपको जाना 20 किलोमीटर की दूरी पर, वहां पर SSGD है, आप 15 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचे, वहां रुक गए किसी कारणवश, थक गए हो कुछ भी, लेकिन अब दूरी कितनी चलनी है, अब 5 किलोमीटर चलनी है, लेकिन जो नया बंदा आया उसको कितनी चलनी है, उसको 20 किलोमीटर। तो वही आपके साथ है, आप एक बार एग्जाम अटेंड कर लियो इसका मतलब यह है कि आप बाकी सबसे बहुत आगे हो, और इसका फायदा उठाना आपको, यह आपका प्लस पॉइंट है। इसको कभी अपना वीक पॉइंट ना समझे कि मैं पिछली बार रह गया, इस बार मेरा होगा कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आप बहुत कुछ चीजें सीख गए, क्योंकि जो नए बच्चे आ रहे हैं अभी हमने देखा अकेडमी में, उनको सिलेबस भी नहीं पता, उनको यह भी नहीं पता कि SSGD में भर्तियां कौन कौन सी है। आपको सारा नॉलेज है, सिलेबस का नॉलेज है, पेपर कैसा होता है इसका नॉलेज है, इसके अलावा इसमें कौन कौन सी भर्ती आती है, नहीं कहने का मतलब पूरी की पूरी आपको इसकी जानकारी है। तो आप काफी आगे हैं बाकी बच्चों की बजाय, तो अपना प्लस पॉइंट समझे अगर आप पिछली भर्ती में रह गए। और आपको बता दूं SSGD में अभी लगभग 50,000 जो बच्चे सेलेक्ट हुए ना, अगर आप उसमें से रेशियो निकालोगे ना, तो 40,000 प्लस वो बच्चे हैं जो पिछली SSGD का पेपर दे चुके हैं, क्योंकि एज क्राइटेरिया में छूट दी गई थी। आप सभी को पता है इस बार एज क्राइटेरिया क्या था, 18 से 26 कर दिया गया था, इस बार भी एज में छूट रहेगी। अब कितने साल की रहेगी वो तो नोटिफिकेशन के पास आती क्लियर होगी। तो एज में एज इस बार पक्का छूट मिलेगी लाडलो, कितने साल की मिलेगी वो नहीं पता, लेकिन सरकार पूरे मोड में है कि इसमें छूट देगी। इसीलिए SSGD 2023 वाली को मिशन मोड में लिया गया था, ताकि उसको जल्दी से कंप्लीट करके नई वैकेंसी, और इसीलिए 2023 में ही भर्ती दे दी गई है, ठीक है। इसको नाम 2024 दिया गया, लेकिन भर्ती 2023 में इसीलिए दी गई है। मैं आपको बता रहा हूं 100% एज में छूट मिलेगी, कितने साल की, 2 साल की मिलेगी, 5 साल की। हाइट अगर थोड़ी बहुत कम है आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, 1-1.5 सेमी ऐसे बढ़ जाती है, नहीं तो एक बहुत तगड़ी स्कीम है वो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ श्याम, जिस दिन हाइट चेक हो ना यहाँ मार लेना पत्थर की, यहाँ रूमा निकल जाएगा, हाइट चेक हो जाएगी, ठीक है। 1 सेंटीमीटर तो उससे बढ़ा लेना, नौकरी लगना है कुछ ना कुछ जुगाड़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। जिसको वर्दी पहननी होती है ना उसको जुगाड़ करना पड़ता है कैसे ना जैसे। तो एक बच्चा बोल रहा सर मेरी 169.9 है, मार लेना यहाँ पत्थर, निकल जाएगा सर बाहर, नपा लेना, पहले पेपर में तो नंबर ला, समझ गए बात को। ज्यादा चिंतित तो उसके लिए नहीं होना लाडलो। तो जो भी बच्चे पिछली भर्ती में रह गए, आप में से कौन कौन बच्चे हैं जो पहली बार SSGD के पेपर देंगे, वो लिखना न्यू, और जो पुराने वाले वो लिखना ओल्ड। देखते हैं कि आप में से कितने बच्चे हैं जो बिल्कुल नए हैं जो इस बार भर्ती पेपर देंगे, और ओल्ड वाले ओल्ड लिखना भाई, जल्दी देखे कमेंट करो ताकि मैं चेक कर सकूं। न्यू न्यू काफी आ रहे हैं, यानी काफी नए बच्चे, ओल्ड की बजाय नए बच्चे ज्यादा है, और इसीलिए ये स्पेशली ओल्ड भी है, लेकिन नए वाले बच्चों का रेशियो मुझे ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि नए बच्चों में SSGD के प्रति वैसे ही जोश रहता है, क्योंकि ये 4 साल वाली नहीं है भाई, ये 60 साल वाली है। और ये स्पेशली जो नए बच्चे हैं और पुराने बच्चे हैं, दोनों के लिए ही धमाका करने जा रहे हैं। धमाका क्या, आप सभी को पता है कि पहले बात तो आपके एक मन का डाउट है वो क्लियर कर देता हूं कि भर्ती कितने पदों पर रहेगी। तो मैं आपको बताऊं 32,900 कुछ पद है इस पर, स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन आएगी जिसमें 29,000 प्लस पद है पुरुष के लिए और 3,000 प्लस पद है लड़कियों के लिए, ठीक है। अब यह रहेगी स्टार्टिंग में जब नोटिफिकेशन में, इसके बाद में पोस्ट बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि SSGD पिछली भर्ती आई थी 25,000 पदों पर, जबकि भर्ती कंप्लीट हुई है 50,000 पदों पर। तो जो भी बच्चे नए हैं आपको निराश नहीं होना है कि भर्ती इस बार छोटी रहेगी बड़ी रहेगी, पोल क्रिएट कर दिया, जल्दी से वोट करो, देखिए नए वाले नए पे, पुराने वाले पुराने पे, अभी तुरंत रेशियो क्लियर हो जाएगा। एज रिलेशन मिलेगा लाडले, दिलाने की जरूरत नहीं है किसी के, पक्का मिलेगा, क्योंकि आप सोचिए सरकार इतने मूड में, इस बार 13 भाषाओं में पेपर होगा, कल ही मैंने वीडियो बना के आपको बताया था 13 भाषाओं में इस बार पेपर होगा, ये ऑफिशियल नोटिस में भी आएगा, समझ गए। और जिसने अब तक लाइक और शेयर नहीं ठोका ठोको, देखे फिर करते हैं धमाका,
एक बार सभी अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर लगा के आओ और लाइक ठोको, फिर करते हैं धमाका आप सबके लिए बहुत ही प्यारा सा, ठीक है। गुरु जी कब तक लॉन्च होगी बुक, कब तक लॉन्च होगी, अभी बताएंगे आपको सारा, मैं बोल रहा हूं ना अभी धमाका कर देंगे आप। एक बार सारे जितने भी लाडले हैं 500 लाइक प्लस होने चाहिए तुरंत, और उसके बाद में बताऊंगा मैं आपको धमाके वाली बात। जल्दी देख लाड लो, सर मेरा हो गया बहुत अच्छी बात है। गुरुजी पुराने वाले बच्चों के बजाय नए बच्चों ज्यादा पास होते हैं? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मेहनत पे डिपेंड करता ही करता है। लेकिन कोई बच्चा आप सोचिए पहले से तैयारी करे, अगर वो ए से आउट हो गया है तो बात अलग है, ए से अगर आउट हो गया तो बात बहुत अलग है। लेकिन अगर वो एज के अंदर है तो उसके काफी चांस बन जाते हैं नौकरी लगने के, ध्यान रखना, क्योंकि वो पहले से बहुत सारी चीजें जानता है। 500 लाइक की बात कही है, अभी 500 लाइक नहीं हुए, मेरे को दो दिख रहा है, वहां 5 दिखना चाहिए। जितने भी बच्चे ठोको दबा के लाइक, फिर आपको बताते हैं आज का धमाका आप सबके लिए, ठीक है, आपका दिल खुश कर देंगे, गारंटी है मेरी। 174 सेंटीमीटर हाइट है, बहुत हाइट है। मैं तो ये बोलता हूं जिसकी 169 सेंटीमीटर हाइट है ना लाड लो, 169 वो भी 168 भी, हाइट इतनी भी है तो आपकी हाइट अभी लंबाई बढ़ जाएगी, क्योंकि इस भर्ती को कंप्लीट होने में 1 साल का समय लगेगा कम से कम। सीआरपीएफ ट्रेडमैन के लिए एसएससी जीडी न्यू, अच्छा पहले सीआरपीएफ ट्रेडमैन दिया एसएससी जीडी न्यू, तो यानी नए वाले बच्चों का रेशियो 53%, पुराने वाले बच्चों का रेशियो है 47%, यानी 47% पुराने बच्चे हैं और नए हैं 53। अब जो ये 53% बच्चे हैं ना, ये इनमें एक खास बात होती है जो नए वाले, क्योंकि ये पूरी चीजों को डिटेल से पढ़ते हैं, पूरा ऐसे मतलब कि नंबर लेना ही है, ये आग इनमें लगी रहती है। पुराने वालों में से नेगेटिव ज्यादा हो जाते हैं, ये जो 47% है इनमें से नेगेटिव ज्यादा हो जाते हैं, या तो कोई जैसे एज क्राइटेरिया से ऊपर चला जाता है, या ये सोच लेता है मेरा तो पिछली बार भी नहीं होगा अब क्या होगा। ऐसा कभी नहीं है, पिछली बार नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि अब नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सर बैच ज्वाइन करना है लाडलो, बैच ज्वाइन करने के लिए भी आप कमांडो एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना और अग्रिम बैच ज्वाइन करना, दूसरा बैच ज्वाइन मत करना, ध्यान रखना। ये जो अग्रिम बैच है ना, ये लगभग आपका 6 माह तक साथ देगा, यानी जिस दिन एसएससी जीडी का पेपर होगा ना उस दिन, यानी आपसे पहले जो भी पेपर होंगे ना वो भी सारे इस अग्रिम बैच में मिल जाएंगे। इसमें आपको सारा कोर्स तो मिल ही रहा है, पूरा रिविजन, और जिस प्रकार से आंसर एक वाइवा होता है ना स्कूल में, उस प्रकार से आपसे टीचरों के साथ में वाइवा भी होंगे, साथ में 100 टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है, यानी 100 पेपर विद सॉल्यूशन। जब आप हर रोज, आपको लास्ट के जो 90 दिन बचेंगे उसमें प्रतिदिन एक टेस्ट आता जाएगा, आप टेस्ट दोगे उसके बाद में तुरंत वीडियो सॉल्यूशन आपके सामने रहेगा, ठीक है। और ये सिर्फ पूरा का पूरा जो बेच है, अगर आप इससे पढ़ लिए मैं 100% गारंटी देता हूं सिलेबस 1% बाहर नहीं हो सकता एसएससी जीडी का, 100% गारंटी है कि अगर सिलेबस अगर आपने कवर कर लिया, क्योंकि पढ़ना तो आपको पड़ेगा, केवल हमारे पढ़ाने से नहीं होगा, पढ़ना आपको पड़ेगा, पीडीएफ उठा के देख लेना आप इन क्लासों की, अगर उससे बाहर कोई सिलेबस रह जाए तो, ठीक है। सर एसएससी जीडी के लिए बुक, सर बुक कब लॉन्च हो रही है, अभी बताएंगे आपको, लेकिन मैंने बोला 500 लाइक होते ही बताऊंगा, तो जिसने अब तक लाइक नहीं ठोका ठोको देके दबा के। सर एसएससी जीडी सिलेबस, सिलेबस के बारे में एक छोटा मोटा आपको जानकारी देता हूं, वैसे आप सभी को पता है 20-20 क्वेश्चन आएंगे 4 पार्ट में, ठीक है। टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे, 80 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मिनट का पेपर रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी लगभग 160 नंबर, और 60 मिनट के अंदर अंदर आपको करना है। ठोको भाई दबा के लाइक ठोको लाड दो, अभी तक नजर नहीं आ रहा, अभी 300 प्लस हुए हैं, 500 प्लस लाइक चाहिए। सर मेडिकल में रिमेडिकल होगा क्या, जिनको मेडिकल एग्जाम दिया वो कर सकते हैं, हाँ ब्लर हो गया था, अच्छा अभी मैं सामने खड़ा हूं, अब ब्लर नहीं होगा। लव फ्रॉम जम्मू, जम्मू रनिंग आउट हो गया था, अरे रनिंग के लिए तो तुम पता नहीं कैसे आउट हो गए, 5 किलोमीटर की रनिंग सबसे आसान रनिंग होती है, बस शर्त यह है कि जिस दिन आप पेपर पास पेपर दे के आ गए उससे अगले दिन से आपको रनिंग की तैयारी शुरू कर देनी है, यह मुख्य शर्त है, हाँ। तो चलिए लाडलो अब आपको बताता हूं मैं आपका जो धमाका है वो वाला। सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि एसएससी जीडी के लिए एक तो आपको भर्ती बता दी, लगभग 32,000 पदों पर इसकी नोटिफिकेशन आएगी, साथ ही एसएससी जीडी के लिए जो हमारी बुकें हैं ये दोनों के दोनों फ्लिपकार्ट और अमेजन पर अभी लाइव है, आप सभी फ्लिपकार्ट पर ले सकते हैं, और आज आज के लिए इन दोनों ही बुकों पे, एक पे लगभग 20% का डिस्काउंट है और दूसरी पर भी
लगभग 20-30% का डिस्काउंट है, यह सिर्फ आज आज के लिए है। तो यानी जो भी बच्चा आज इन बुक को खरीदेगा लगभग उनके 20% का डिस्काउंट है दोनों ही बुकों पर। बाकी जो अगली बुकें हैं सामान्य हिंदी, रीजनिंग और मैथ, सामान्य हिंदी, रीजनिंग और मैथ, ये जिस दिन लॉन्च होगी, ये अभी लॉन्च नहीं है ध्यान रखना, फ्लिपकार्ट पर भी नहीं मिलेगी, ये अगले सोमवार तक लॉन्च होगी। और सोमवार वाले दिन इन सभी पे लगभग 40% डिस्काउंट रहेगा। अब आप बोलोगे सर उन पे डिस्काउंट कम क्यों है, क्योंकि इसमें 40 ओल्ड पेपर है। और ये मान के चलो कि इस बुक में, एक बार दिखाना भाई, बुक दिखाता हूं मैं आपको, इसमें ये पूरे का पूरा हस्तलिखित बुक है, और ये जो बुक है ये कलरफुल बुक है, यानी इसमें पूरे वन लाइनर डाले हुए हैं, साथ में एसएससीडी में 2023 में आए हुए प्रश्न पत्र। ये देखो ये जो बुक है ना, इसमें पूरे हस्तलिखित सॉल्यूशन है, ध्यान से देखो इसको, यानी सारी की सारी मेरी की हुई मेहनत है जो कि आपके बहुत काम में आने वाली है। जो बच्चा इस बुक से 40 पेपर मिला लिया, इसमें पहली बात तो ओरिजिनल पेपर है पूरे के पूरे 100% गारंटी के साथ, कोई भी पेपर ऐसा नहीं है कि हर कहीं से उठाया हुआ है, साथ ही 2023 में आए हुए, सिर्फ पहले के नहीं है, पुराने कोई भी रद्दी मैटर नहीं है इसमें, पूरा न्यू मैटर है, बिल्कुल अपडेट वर्जन है, ठीक है। इस वजह से दूसरी बुक है लगभग 400 पेज के आसपास की और मास्टर साइज बुक है, साथ ही जो सामान्य ज्ञान की बुक है ये देखिए, इसमें आपको इसके अलावा जीके की कोई दूसरी बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने इसको क्लियर कर लिया बस काम खत्म, अभी आपके पास में इतना समय है। साथ ही इसमें पेपर डाले हुए जो 2023 में आए थे विथ सॉल्यूशन, तो आपको सर्च क्या करना वो भी मैं बता देता हूं। देखो आपको फ्लिपकार्ट पे जाना है और सर्च में लिखना है SSCGD जीके बुक, जीके वाली लेनी है तो, और अगर मैं तो ओल्ड पेपर वाली लिखनी है तो लिखना है SSCGD ओल्ड पेपर बुक, पेपर बुक, और आगे लगा देना आप 2024, क्योंकि 2024 मॉडल पर केवल अभी हमारी ही बुक है और कोई बुक है ही नहीं। ये बुक देखो, यानी अभी तक किसी कोई भी बुक नहीं है जो 2024 की है, 2024 के लिए सिर्फ मैंने लॉन्च किया और वो भी हस्तलिखित, और आज आपके पास में इस पे 18% डिस्काउंट चल रहा है, कल ये नहीं रहेगा। यानी आज आज का मौका है, जो भी बच्चा आज लेना चाहता है वो ले सकता है। आपको अगर जीके वाली लेनी है तो उसके लिए सर्च करना है SSCGD 2024 जीके बुक, और ये रही सबसे पहले, इस पे भी 18% डिस्काउंट है, आज का मौका है। और जो बच्चे अग्रिम बेस से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाना लाडलो, उसमें भी सिर्फ आपके पास में आज आज का मौका है। अग्रिम बेच है उसमें आज आज के लिए, आप सबके लिए बता दूं, लगभग 50% डिस्काउंट है, जिसकी प्राइस 2000 है, वो आपके लिए आज आज मात्र 999 है, ठीक है। ये आज आपके लिए आखिरी दिन है अग्रिम बेच में जुड़ने का, और जो बच्चे अग्रिम बेच से जुड़ के इन किताबों को पढ़ लिए 100% गारंटी है, उनको कोई रोक नहीं सकता SSCGD में सिलेक्शन के लिए। आप बुक मंगा के देख लेना एक बार, अगर आपको अच्छी नहीं लगे तो उसके दुगने पैसे देने के लिए तैयार हूं मैं, आप 100% खुश है। और हाँ, रेटिंग जरूर करना फ्लिपकार्ट अमेजन जहां से भी खरीदो, बुक देखने के बाद में रेटिंग जरूर करना, अगर खराब लगे तो 0 कर देना और अच्छी लगे तो 5, ठीक है लाडलो। जय हिंद, जय भारत।